हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ एमी और आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर जी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस इंडिकेटर के बारे में, जो गाड़ी के ऊपर अपने आप जलता है जब सर्विस अपने आप करवानी होती है। तो मैं आज इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। क्या होता है कि गाड़ी में सेट होता है 3 सर्विसिंग फ्री होती है, तो मेरी पहली सर्विसिंग का इंडिकेटर मुझे आ गया है। तो इस सर्विसिंग का इंडिकेटर ऐसे होता है कि वहाँ पर सेट होता है, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर 500 सेट है और रिंच कब एक्टिवेट होनी है, मतलब अपने तरीके से। जैसे कुछ लोग भूल जाते हैं सर्विस कराना, आप जितनी गाड़ी चलाएंगे तो उसमें आपको अपने आप इंडिकेटर शो करता रहेगा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें कैसे पता चल जाता है इसको सर्विसिंग करानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगो बन के आ रहा है, तो मतलब, और ये देखिए 453 चल चुकी है, तो ये 450 से 750, मतलब ये आ गया है। तो ये इसको सर्विस जब तक नहीं होगा ये नहीं जाएगा। और कुछ आप इसे गायब भी कर सकते हैं इन दोनों बटनों की मदद से, उससे गायब करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका ही लॉस है, आपका बहुत सारा, मतलब आप गायब कर देंगे, आपकी गाड़ी में शो नहीं होगा। पर आपकी गाड़ी सर्विसिंग चाहती है, आप उसे सर्विस करना नहीं चाह रहे, तो इससे आपकी गाड़ी और भी ख़राब हो सकती है। तो आप एक काम करिए, आप इसे तुरंत सर्विस करा लीजिए और ये गायब हो जाएगा। फिर दूसरी सर्विसिंग होती है 4,500 से 6,000 के आसपास। तो जो 4,500 से 6,000 के बीच में सर्विसिंग होती है, उसमें फिर आपको ये 4,000 पे लोगो दिखाने लगता है। ये लोगो इसलिए थोड़ा जल्दी इसलिए शो होता है जिससे आप ये मतलब जान सके। जैसे लोगो स्टार्ट हो गया तो 2-3 दिन सर्विसिंग में लगना है, कि ये तो होता नहीं है कि जैसे लोगो स्टार्ट हुआ तो आप तुरंत सर्विसिंग करा ले। 2-3 दिन का आपको भी टाइम चाहिए होता है कि कब छुट्टी होगी, कब हम गाड़ी को देंगे, इसलिए वो थोड़ा सा पहले एक्टिवेट हो जाता है। तो जो एक्टिवेट हो जाता है, आप 2-3 दिन, आज मुझे एक्टिवेट हुआ तो मुझे आज ही जाना है सर्विसिंग कराने, क्योंकि मेरा कल की वीडियो में आपने देखा होगा ये स्क्रैच और यहाँ पे जो डेंट है, तो यही सब मुझे सही कराना है। तो ये सर्विसिंग का इंडिकेटर आ चुका है 50 के पहले, तो ये 500-750 तक बीच में कराना होता है। तो इसीलिए इसको पता चलता है कि कब ये जलना है, और ये थोड़ा पहले ही सो होता है। आप इससे चिंता ना करिए कि मैंने अभी 4,500 पे करानी है, ये 4,000 पे क्यों एक्टिवेट हो गया। तो आप इसे इसीलिए एक्टिवेट होता है कि 2-3 दिन का समय चाहिए आपको, 1 हफ्ते का समय चाहिए कि इसको सर्विसिंग कराने का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।